देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। शासकीय संस्कृत महाविद्यालय इंदौर में ज्योतिष एवं वास्तु विषय पर आधारित एक दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी 8 जनवरी रविवार को संपन्न हुई, जिसमें देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक, शोधार्थी, ज्योतिष वास्तु के विद्वान द्वारा समसामयिक विषयों पर शोध प्रस्तुत किया। कार्यक्रम संस्था तत्व वेलफेयर सोसायटी शासकीय संस्कृत महाविद्यालय इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में किया। सम्मेलन के समन्वयक डॉ अभिषेक पांडे एवं आचार्य गोपाल दास पैरागी ने बताया कि कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के चेयरमैन भरत पैरागी राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त थे। अध्यक्षता महर्षि पाणिनी संस्कृत विद्यालय के कुलपति विजय मेहता ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कृत भारती के मध्य क्षेत्र संगठन मंत्री प्रमोद पंडित एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति रेणु जैन, पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र महंत, अतिरिक्त संचालक डॉ किरण सलूजा, डॉ अरुणा कुसुमाकर उपस्थित थे। इसके बाद 3 अलग अलग क्षेत्रों में देश के विभिन्न शहरों और विश्वविद्यालयों से लगभग 350 ज्योतिषी और वास्तुविदों ने रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए। समापन सत्र के मुख्य अतिथि वरिष्ठ विचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रांत प्रचारक बलिराम पटेल थे। सरस्वत अतिथि लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति डॉ मुरली मनोहर पाठक थे। अध्यक्षता राष्ट्रकवि पंडित सत्यनारायण सत्तन ने की। विशेष अतिथि मध्य प्रदेश ज्योतिष संघ के अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा, वैदिक संगोष्ठी निदेशक डॉ विनायक पांडे, चंद्रभूषण व्यास आदि थे। सम्मेलन के समन्वयक डॉ अभिषेक पांडे, आचार्य गोपाल दास बैरागी ने बताया। सम्मेलन में स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, व्यापार, विवाह, स्मार्ट सिटी निर्माण, वास्तु जैसे विषयों के साथ ही ज्योतिष वास्तु के संबंध में विभिन्न भ्रमों का निवारण किया। इस अवसर पर विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शोध पत्रों का प्रकाशन भी स्मारिका के रूप में किया जाएगा। आयोजन में ज्योतिष की विभिन्न विधाओं जैसे फलित ज्योतिष, चिकित्सा ज्योतिष, अंकशास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, शकुन शास्त्र, कृष्णमूर्ति पद्धति, फेंगशुई, टैरोकार्ड, रमल शास्त्र, वास्तुशास्त्र के देश भर में मूर्धन्य विद्वान सम्मिलित हुए। महाविद्यालय इंदौर में आज एक दिवसीय ज्योतिष और वास्तु को से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन हमने किया है। इसके अंतर्गत पूरे देश भर से ज्योतिष और वास्तु के विद्वान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मूल रूप से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से भी यहाँ पर हमारे बीच में व्यक्ति आए हैं, तो जबलपुर, जयपुर, तमिलनाडु से, तिरुपति से भी, बेंगलुरु से भी हमारे पास में यहाँ पर जो विद्वान आए हैं, ये सभी लोग विभिन्न विषयों पर आज अपने शोध पत्र और शोध पत्र पढ़ने वाले हैं। इनमें से मुख्य रूप से जैसे स्मार्ट सिटी को लेकर के बातें हैं, या रोग है, शिक्षा है, शेयर मार्केट है, इन सभी पर यहाँ पर चिंतन करते हुए ज्योतिष की क्या भूमिका हो सकती है, क्या सकारात्मक पक्ष वास्तु का हो सकता है, इनके साथ में इनके भ्रामक प्रचार को भी हम लोग यहाँ पर निदान करने वाले हैं। आज की ये संगोष्ठी लगभग 500 पंजीयन यहाँ पर पूरे हुए हैं,